मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को राजधानी भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल संचालकों पर एक्शन लेने की मांग की। राजधानी भोपाल में जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष गोपिल कोटवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की मांग की। गोपिल कोटवाल का कहना है कि स्कूलों द्वारा लाखों रुपए की फीस लेकर एक ही दुकान से बुक्स लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा, लेकिन इसके बाद भी जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन सौंपकर स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो स्कूल मनमानी फीस लेता है, जो बाहर से छात्रों को किताबें खरीदने में मजबूर करता है, ड्रेस खरीदने को मजबूर करता है, उन पे कार्यवाही करेंगे। आपने कार्यवाही करी? हाँ, एक मिनट देखिए, मैं कार्यवाही करी। एक मिनट हो जाइए। अभी क्या है, कलेक्टर साहब के द्वारा 8 SDO की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हुई है, जांच कमेटी अभी कंटिन्यू काम कर रही है, उनके प्रतिवेदन आते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये तो ठीक है, तो ये कलेक्टर ने निर्देश दिया था। हाँ। क्या बोलते हैं अपना, इसमें बुक सेंटर पे क्या कार्रवाई हुई सर? ये सारी कमेटी, कार्रवाई क्या हुई सर? नहीं, कमेटी हवा में छोड़ दीजिए, कार्रवाई क्या? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, नहीं हुई कार्रवाई? नहीं हुई स्नेह बुक वाले पे कार्रवाई? नहीं हुई हर्बल की दुकान पे सर? निजी स्कूल की किताबें बिक रही थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? कितने का फाइन लगाया सर? इसमें FIR कराई गई थी। थाना जागीरवाला बंद है सर क्या? वो जेल में बंद है क्या सर? जेल में नहीं है, बंद नहीं है, हवा में बात है। ठीक सर, बुक्स एंड बुक्स पे क्या कार्रवाई की गई सर? बुक्स एंड बुक्स सबसे बड़ा, बुक्स एंड बुक्स सबसे बड़ा दलाल है पूरे भोपाल में, सबको पता है, उस पर क्या कार्रवाई की सर? सुनिए, अभी मैंने आपसे कहा कि 8 हमारी समितियां जिसमें SDO यानी SDM अध्यक्ष हैं, बराबर उनकी जिला शिक्षा अधिकारी को। मैं गोपिल कोटवाल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भोपाल ग्रामीण। आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी जी को यह ज्ञापन दिला के याद दिलाया है कि आप अभी सिर्फ हवा में ही आपकी समिति बनी है, हवा में ही कार्रवाई हो रही है। जबलपुर में FIR हो गई, बहुत से लोग जेल चले गए, 200-250 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। भोपाल में ही मीडिया द्वारा हमें पता चला था कि बुक्स एंड बुक्स और सेंटर बुक्स स्टोर पर छापा पड़ा, कोई फाइन नहीं हुआ। फिर इस हर्बल की दुकान पर निजी किताबें मिल रही हैं, स्कूल की ड्रेस मिल रही है। कलेक्टर ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना करने का बोला, मगर अभी तक किसी भी स्कूल में, भोपाल के प्राइवेट स्कूलों में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। DO साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमसे 24 जून तक का समय मांगा है। 24 जून तक अगर वह कार्यवाही नहीं करते हैं तो भोपाल यूथ कांग्रेस DO शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय और शिक्षा मंत्री का बंगला घेराव करेगी। 2017 के अनुसार हर प्राइवेट विद्यालय को MP एजुकेशन पोर्टल पर फीस और किताबों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित पहले समय सीमा 8 जून थी, बाद में ये समय सीमा 24 जून कर दी गई है। पोर्टल पर बराबर एंट्री हो रही है। अभी जो एंट्री जिन विद्यालयों ने की उनकी संख्या मैंने आपको बताई है। 24 जून के बाद पोर्टल को ओपन करके जिला शुल्क समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके समक्ष सारी स्थिति प्रस्तुत की जाएगी और जो भी मान्यता अधिनियम 2017 का उल्लंघन जिनका पाया जाएगा एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखो, हम किसी व्यक्तिगत स्कूल को नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने भी अशासकीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए जो समितियां बनी हैं, समिति में राजस्व SDO अध्यक्ष हैं, तहसीलदार उसका सदस्य है, 3 प्राचार्य उसके मेंबर हैं। उस प्रतिवेदन के आधार पर जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा मान्यता अधिनियम 2017 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नहीं, इसने वो सेंटर का वो चीज़ अभी सत्यापित नहीं हुई है, कमेटी सत्यापित करके ला रही है। अगर कोई चीज़ आएगी तो मैंने कहा कि हमारी जो कमेटी है वो उसमें निर्णय लेगी, उसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय हैं, तो उसकी 24 जून की समय सीमा देनी थी। सर, एक सवाल है आपसे, तो आप ये मान रहे हैं कि जितने भी जो किताब सेंटर है, जितने प्राइवेट स्कूल है, ड्रेस किताबें सब कहीं से नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा अनुरोध आपसे फिर है, ये सारी चीज़ें ओपन हैं हर जगह। अभी हम पुस्तक मेला भी करने जा रहे हैं, शासन का नियम है, अभी हम पुस्तक मेला भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक चरण पे कार्रवाई हो रही है। कोई भी स्कूल का कहना है कि जिस किताब घर का नाम दिया है तो किताब वहीं मिलेगी, अगर नहीं, अगर देखिए, अभी दबाव आने में इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो, अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो 8 SDM इस शहर के हैं, सारे अध्यक्ष हैं, आप उनको अपना आवेदन दे सकते हैं, उस तथ्य को भी उसमें जांच में सम्मिलित किया जाएगा। स्कूल है जिसका ट्रैक, हम किसी व्यक्तिगत स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो मान्यता अधिनियम 2017 का अगर वायलेशन करते हैं तो नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई।
ये सर मैंने आपको बताया कि 24 जून के बाद, और ये हमारी समितियों के जैसी प्रतिवेदन आते हैं कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी उसमें, ठीक है।